आगे बढ़ रहे लखनऊ का रुख करें। SGPGI में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। दवाइयों के नाम पर लाखों रुपए की गड़बड़ी हुई है। मामले में ओपीडी के 8 संविदा कर्मियों पर FIR हुई। ओपीडी में दवाइयों की फर्जी पर्ची बनाई गई, लाखों रुपए हड़पे गए। ओपीडी में दवाओं की फर्जी बनाकर लाखों हड़पे गए हैं। फर्जीवाड़े के मामले में अब पुलिस जांच कर रही है। SGPGI जैसे संस्था में SGPGI में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। दवाइयों के नाम पर लाखों रुपए की ये गड़बड़ी का मामला सामने आया है। 8 संविदा कर्मियों पर FIR हो गई है। ओपीडी में दवाइयों की फर्जी पर्ची बनवाकर लाखों रुपए चूना लगाया गया, लाखों रुपए हड़प लिए गए हैं और फर्जीवाड़े के मामले में जांच पे पुलिस जुटी हुई है। विवेक त्रिपाठी, इस खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और पूरे के पूरे इस फर्जीवाड़े को वो आपको समझाएंगे। विवेक, आप दर्शकों को बताएं कब से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था, कौन कौन ये फर्जीवाड़ा कर रहा था, कौन कौन इस फर्जीवाड़े में शामिल था। SGPGI के प्रबंधन से जुड़े हुए लोग थे, डॉक्टर थे, केमिस्ट वाले थे, कौन कौन इसमें शामिल था और लगभग कितने लाख का चूना अब तक लगाया जा चुका और पुलिस का एक्शन बताएं। देखिए राजीव, अभी जो PGI में शिकायत हुई थी 3 दिन पहले, उसमें एक मरीज ने शिकायत की थी कि उसके खाते से रुपए निकाले गए लेकिन जो दवाएं उसको दी जानी थी वो दवाएं नहीं दी गई। PGI की आंतरिक कमेटी ने जब इसकी जांच कराई तो पता चला कि ये दवाओं का बड़ा फर्जीवाड़ा है। दवाओं के नाम पर रुपए निकाल कर गायब किए जा रहे हैं। इसमें PGI के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल 8 संविदा कर्मियों के खिलाफ FIR हुई है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से जो पैसा आता है, गरीब मरीजों के लिए जो पैसा आता है, वो PGI की OPD में खाता खोल के जमा किया जाता है। जैसे जैसे मरीजों का इलाज चलता रहता है उस खाते से रुपए दवाओं के लिए निकाले जाते हैं, दवाओं के पर्चे लगाए जाते हैं और उनमें दवाओं के पर्चों में डॉक्टर के साइन होते हैं, जो डॉक्टर इलाज कर रहे होते हैं मरीजों का उनके साइन होते हैं। इसी तरह से ये फर्जीवाड़ा वहाँ के OPD की फार्मेसी और अकाउंट से जुड़े लोगों ने किया था। जब इसकी जांच कराई गई तो ये 8 लोग के नाम सामने आए हैं। फिलहाल अभी इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर, कुछ बड़े डॉक्टर भी शामिल हो सकते हैं और ये आशंका जताई जा रही है कि ये घोटाला NRHM की तरह कुछ बड़ा घोटाला हो सकता है। शुरुआती जांच में 23 ऐसे मरीज सामने आए हैं जिनके 55 लाख रुपए निकाले गए हैं। 55 लाख रुपए में कुछ ऐसे इंजेक्शन है जिनकी कीमत 20 से 50 हजार लगा सकते हैं कि ये खेल कितना बड़ा रहा होगा, खेल में कौन कौन सम्मिलित हो सकता है। हालांकि ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द उन नामों का खुलासा करे। बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए।